टेलीनॉर प्रेजेंट्स मोर से भी ज्यादा एंटरटेनमेंट का फायदा फॉलोड बाय एंटरटेनमेंट एंड मस्ती का धमाका. सो लेट्स वॉच अ शो जिसका नाम है आई डोंट नो. आपको खुश आमदीद कहते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल गेम शो में जिसका नाम है आई डोंट नो, जो आपके सामने ला रहे हैं नाशपाती प्राइम. खतरनाक खतरनाक एंटरटेनमेंट, थोड़ी नहीं ज्यादा नहीं, मोर से भी ज्यादा एंटरटेनमेंट है खवातीन और हज़रात इस शो में. चलते हैं आज के आई डोंट नो की तरफ. अच्छा जी, तो बताइएगा जी आज क्या नाम है आपका? तुर्क बिल्ली है ना लास्ट टाइम, तो हम अफगानी बिल्लियां कर लें आज. अफगानी अफगानी बिल्ली है अफगानी. ये क्यों बिल्लियों पे क्यों ज्यादा ध्यान है आपका? अली अब्दुल्ला बिल्लियों से बाहर आ नहीं रहा. मेरे घर में है ही बिल्ली है ना. हम आज तुर्की में ही रहते हैं. तुर्क में रहते हैं. टीम अर्तुगरुल. ओ टीम अर्तुगरुल. मानी भाई मुस्तफा मामू, क्या नाम है आपका आज? सोनी सदफ. सोनी सदफ है? सोनी सदफ एक लेजेंड है. सोनी सदफ थाईलैंड में एक इमिग्रेंट. नहीं, उनकी बहुत सारी मशहूरी है. आप दोनों में से सोने कौन? हमने बोला पाकिस्तान में बहुत काम है. हाँ. तू आ जा यहाँ पे. हाँ. उसके बाद से फोन बंद किया हम लोगों ने. वो आ गया और काम खत्म हो गया. काम खत्म हो गया पाकिस्तान. सदफ सिटी वाले आप ही? नहीं, वो सोनी सदफ एक अलग बंदा है. हर तरह की जो है सर्विसेज देता है. सर काफी सारी काफी सारी. तो आप लोग ने नाम ये रखा है, तो आप लोग कौन सी सर्विसेज देंगे? अगर वो दे रहा है ये, आप क्या देंगे? आप तो क्या सर्विसेज लगा रहे हैं मदीरा? आप क्या जा रहे हो? प्लीज आप बताएं क्या क्या चाहिए आपको. पता नहीं, आप बताएं ना. हर तरह की फिटनेस के साथ हर तरह की सर्विसेज हैं. आप बताइए क्या चाहिए. किस चीज में हर तरह से महारत रखते हैं? हर चीज. हेरा भाभी देख रहे हैं आप? मैं तो बोल रही हूँ आउट ऑफ कंट्रोल वो नहीं, ये हो रहा है. हेरा देख रही है. हाँ, वो बहुत अरसे से देख. शबीर ये बताइए आपका क्या नाम है जी? आज हमारा मटका कुल्फी. ओए ओए. मटका कुल्फी. मटका कौन है और कुल्फी कौन? जारी बात है, मैं तो कुल्फी हूँ जी. पहली बारी किसकी? आज जो होगा उधर से होगा. तो पेस्टर इसके के कुल्फा कुल्फी पिघल जाए. इन्हीं की बात करें, यही पिघलेंगे. हाँ. में ये दिखेंगे भी नहीं. क्या सवाल पूछे आपसे? टॉपिक बताए. टॉपिक आपके सामने मौजूद है जनाब. आप पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड कल्चर, एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट जी. तो पहला सवाल आपसे ये है कि IMDB किस चीज का मुखफ्फफ है? आप सिर्फ सवाल रिपीट कर दें यार. यार ये जो फफफ को डाल देते हो ना बीच में, वो बड़ा फफफ कर देता है मेरा. IMDB किस चीज का मुखफ्फफ है? ये सवाल है, आप रिपीट कर दें खाली सवाल. मैं पॉइंट दे दूंगा. IMDB किस चीज का मुखफ्फफ? इंटरनेशनल डॉल्बी साउंड. एक मिनट, क्लियरली पूरी आवाम को आखिर तक आवाज आनी चाहिए जी. क्या बोलना है, किस चीज पर जोर लगाना है? ये जुमला बोलना है. IMDB किस चीज का मुखफ्फफ है? IMDB किस चीज का मुखफ्फफ है? मुखफ्फफ है, सही जवाब. थैंक यू. वैसे इसका असली जवाब है इंटरनेट मूवी डेटाबेस, लेकिन हमने आपको पॉइंट दिया. आपने उनको मौका नहीं दिया. साकिब भाई बोलने वाले थे IMDB का मतलब है आई एम देसी बाबा. आप अपने बारे में बात करो. जल्दी कर ले, कुल्फी पिघलने वाली है. बल्कि बह के यहाँ तक आ रही है. बॉलीवुड की वो कौन सी फिल्म है जो ऑस्कर की बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए नॉमिनेट हुई साल 2002 में? आतिश. अक्षय कुमार भी था उसमें. यार वो कौन सी जिसमें वो जय हो गाना भी था? नहीं नहीं, वो 2002 में नहीं, वो तो बहुत बाद में आई है. ऑप्शंस दे. लेकिन ऑप्शन में एक हिंट दे देता हूं. ओके. क्रिकेट. क्रिकेट में तो पाकिस्तान में सबसे बड़ी फिल्म इमरान खान आई है. मियां नवाज शरीफ साहब ने बतौर CM पंजाब वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक नुमाइशी मैच में ओपन किया था. बॉल नजर आई थी इनको? पहली बॉल पे कॉटनी वॉश ने बोल्ड किया था इनको. मुल्क में एवी इलेक्शन के पैसे खर्च होते हैं, नवाज शरीफ और इमरान खान एक सुपर ओवर खेल लें, पता चल जाएगा जो जीता. हाँ जी, हाँ जी. बॉलीवुड की फिल्म क्रिकेट पे 2002 में. 2002. यार मैं तो देखती ही नहीं थी कुछ बॉलीवुड का. गोल गोल साकिब को आ रहा है. अरे नहीं, आमिर खान की फिल्म जो थी. आमिर लगान. लगान. हाँ भाई,
पॉलिटिक्स 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 का सवाल, पाकिस्तान रिपब्लिक कब बना? पीपल्स रिपब्लिक या इस्लामिक रिपब्लिक? रिपब्लिक, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। जब पहला टायर जलाया गया? हाँ, टायर जलाया गया, यस यू आर राइट, यस ये कुछ था मामला। 71 के आइन, 73 के आइन जो था। बहुत दूर चले गए, मैं एक और चांस दे। 52-53 टाइप की टाइम तो नहीं था? हाँ, जब वो बना था आपका पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना था मैं, यस सिकंदर मिर्जा साहब का टाइम था, तो बिल्कुल 52-53 52-53। अब बता दें भाई जान, आप बड़े भाई हो, मैं पहले था या बाद में था? बहुत पहले, बहुत पहले। 60s में कुछ हो रहा है भाई, गिव अप कर दे, शहजाद गैस के पास चले जाते। नहीं नहीं, अभी एग्जैक्ट चाहते हैं यार। ये जब एटम बम का पहला तजर्बा हुआ था, जब तो नहीं, मतलब जो हिडन तजर्बा हुआ था पहला? नहीं नहीं, वो तो बहुत बात भाई, हमारे मोहल्ले में एक बंदा, उसने कहा कि पाकिस्तान ने 7 एटमी धमाके किए हैं, टोटल 9 थे, बाकी वो बच गए। अच्छा भाई, 56 सही जवाब। सवाल क्या था वैसे? वाओ, याद गया। ओए अब्दुल्ला, क्या कह रहे हो? स्पोर्ट्स खेलने का दिल कर रहा है। सपोर्ट्स, 92 के वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन था? मैं ऑप्शंस दे देता हूं आपको। उस्मान बुज़दार, क्योंकि वसीम अकरम प्लस वही थे, वसीम अकरम प्लस वही थे। नहीं यार, वो ऑप्शन नहीं, मैं ऑप्शन दे देता हूं। येन बॉथम, मार्टिन क्रो, वसीम अकरम, जावेद मियांदाद। जावेद मियांदाद है। अपने जमाने का उनको उस्मान बुज़दार कहा जाता है। अपने जमाने का उस्मान बुज़दार? नहीं नहीं, मार्टिन क्रो लग रहे हैं, नाम अलग है। मार्टिन, अच्छा हाँ, रसल क्रो का रिश्तेदार भी है। मार्टिन क्रो, रसल क्रो रिश्तेदार है भाई। ये जिस भी घर में जाते थे लोग कहते थे आज मेहमान आएंगे क्रो। आप पूछ रहे मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन था? ऑप्शन हमारे, सॉरी, क्या क्या थे? येन बॉथम, वसीम अकरम, मार्टिन क्रो या जावेद मियांदाद। वैसे तीन और भी अच्छे परफॉर्मेंस थे इस वर्ल्ड कप में, सारा वर्ल्ड कप पूरी कौन में रटा हुआ है, इतना चल रहा है ये, इतने जलसों में रिपीट हो गया। शहजाद गैस, तुम्हारे अंदर का बुग्ज़ नहीं खत्म हो रहा? हाँ यार, तुम यार एंटी पीटीआई हो लग रहा है। बुग्ज़, बुग्ज़े इमरान मेरे अंदर भरा हुआ है। मार्टिन क्रो कर लो। मार्टिन क्रो, मार्टिन क्रो ना, आपका नाम आ रहा, मार्टिन क्रो, मार्टिन कर लो। आप देख लो मार्केट, देख लो, इतने में आपको पड़े भाई, हम 2 मार्टिन क्रो देंगे आपको। सही जवाब, मार्टिन क्रो। आपको पता है 99 के वर्ल्ड कप के मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन थे? कौन थे? वो मैच फिक्सर जो सबसे अच्छा खेल रहे थे, सबसे अच्छा मजर मजीद, मजर मजीद जितना अच्छा खेलता था। हाँ, अच्छे ये लोग, अच्छे होते। 1992 का वर्ल्ड कप, आपकी मुश्किल में इजाफा, किसी एक मैच में सबसे ज्यादा रन्स किस प्लेयर ने किए थे 1992 के वर्ल्ड कप में? ओके, मैं मुझे बताया क्या मन भी, आप लोग थे वहाँ पे? गया हम लोग वहाँ थे, हम लोग वो झंडे वाले नहीं थे, झंडे बीच में शॉट आ रहे थे दो उस जमाने में, ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ सफेद झंडे थे, नहीं ये और भी झंडे थे, एक और पॉलिटिकल पार्टी जो अब रही नहीं तकरीबन, मतलब वो सफेद झंडा था ना उस वक्त। मानी भाई ने मेलबर्न में एक सेक्टर खोला है आसिफ लिल्ला भाई के साथ। जी ऑप्शंस आप मांग रहे हैं ना, ऑप्शंस के बजाय अगर मैं हिंट दे दूं कैसा रहेगा? चलिए, कमेंट्री। इतने बालों के साथ वो हाई स्कोर कर गया। ये वही है, वही है ना, जिसके बालों में सिक्का फंस जाता है। इन इन साहब को मोहम्मद यूसुफ बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों भाई? आपने नहीं देखी वो? अच्छा हाँ, देखी। आमिर सोहेल इतने अच्छे प्लेयर हैं कि उनके बाल भी बहुत ज्यादा हैं, तो उनके मतलब लोग साबुन से ना रहे, वो शैम्पू से नहाता है यार। पहली बात तो ये हो गई, ये अच्छी बात है, अच्छी बात है। दूसरा एक उन्होंने बंदे रखे हुए जो उनकी कमर से जुए निकलते हैं। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि उन्होंने वहाब रियाज को बाल डोनेट भी किए बेसिकली। हाँ। आप देख ले, वहाब का तो माशाल्लाह पूरा हेयर लाइन वापस आई है, बहुत अच्छी आई है। तो उन्होंने डोनेट किया है? अच्छा आपको नहीं पता ये वाकई हुआ है? अनिल कपूर से ज्यादा बाल है भाई इसके, आमिर सोहेल के। मैंने थोड़ी उनको खोल कर देखा कि भाई तुम्हारे बाल कितने। इसका जवाब है रैम्बो, रैम्बो जान रैम्बो, रमीज राजा साहब। रमीज राजा, रमीज राजा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 119 रन बनाए, टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर, टॉप स्कोरर, मतलब दो दफा सेंचुरी की इस वर्ल्ड कप में, दो दफा सेंचुरी की। और इनको तो कैच पकड़ने के लिए नहीं रखा हुआ था टीम। पकड़ के आपको पता है रमीज राजा के पास रिकॉर्ड है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सेंचुरी वर्ल्ड कप में,
हमें तीन दो लोगों ने शायद सईद अनवर और रमीज राजा दोनों का इक्वल होगा शायद। रमीज को मैंने कभी ये पहले बैट्समैन थे जिनकी मूंछें थी 87-92 दोनों वरना क्लीन शेव आते थे। नहीं मतलब ऑस्ट्रेलियंस की भी मूंछें थी, मूंछें तो बहुत सारे लोगों की थी, इंग्लिश प्लेयर्स की भी थी, लेकिन रमीज भाई जो है वो माशाल्लाह बालों के साथ जो स्वैग में थे अभी भी हैं वैसे माशाल्लाह, स्वैग तो उतने का उतना ही है। बट जवाब आपका दुरुस्त है जनाब, तो सही जवाब। अब मैं जिस मेहमान को बुलाने जा रहा हूँ तो तीन हजरात, इनके तारुफ में मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा कि आप ये मत देखें कि इनका करियर कितना लंबा है, आप सिर्फ ये देखें कि ये खुद कितनी अच्छी हैं और ये खुद कितनी प्यारी हैं और ये बात कितने मज़ेदार करती हैं और हम सबको कितनी अच्छी लगती हैं। ख्वातीन हज़रात प्लीज़ वेलकम द फेमस आरजे, द फेमस वीजे, द फेमस डीजे। ख्वातीन हज़रात आप सबकी भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए अनुशे अशरफ का। दो तीन लोगों को इतने अच्छे से जानती नहीं और दो तीन लोगों को बहुत इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको अलग से। मानी को मैं बचपन से जानती हूँ, बचपन से बचपन से ही जानती हूँ मानी, जब भी लेकिन मानी से काफी छोटी हूँ मैं लेकिन जानती बचपन से हूँ। मुझसे बात को कौन कौन नहीं जानता, पूरा पाकिस्तान जानता है माशाल्लाह। एंड पीटीआई वाले तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और अब मैं मजीद जानती हूँ कि क्या हमारे कुत्तों की ब्रीड एक ही है। यू नो लोग कहते हैं कि मेरा बच्चा ये स्कूल जाता है, वो मेरा भी जाता है, हम कहते हैं तो बाबा ये कुत्ता है मेरे पास भी ये कुत्ता है, फिर कनेक्शन बनती है। अच्छा आपका कुत्तों का कनेक्शन है, हमारा बच्चों का कनेक्शन है, आपके बच्चों का कनेक्शन है, हमारे कुत्तों का कनेक्शन है, हमारे बच्चे एक स्कूल जाते हैं, मेरा और मुस्तफा का कुत्ते के बच्चों का कनेक्शन है। और दोनों जो यहाँ पे इतने यंग टैलेंटेड लोग हैं, मेरी मुलाकात कम हुई है। नहीं यंग नहीं है, तो हुई भी नहीं, नहीं अनुशे इनको लेट, इनको क्या नाम है, लाइमलाइट लेट मिली है, लेट मिली कर बहुत अरसे से रहे दोनों, लेट स्टनर्स हैं, यंग स्टनर्स के बजाय वो जो लेट स्टनर्स होते हैं। आप टेंशन ना लें, ऑडियंस में भी हम दोनों को कोई नहीं भाई। अच्छा नहीं ऐसा नहीं है, लड़का लड़का हल्का नहीं है, ये आप अंदाजा करें हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन का कि इतनी खराब है कि ये लम्स का ग्रेजुएट है यहाँ बैठा कॉमेडी कर रहा है हमारे साथ, जॉब नहीं दे रहे ना यार, जॉब नहीं दे रहे। आई एम सॉरी डैड, मैं आपका कर्ज वापस कर दूंगा। लम्स के ग्रेजुएट्स जो हैं वो गवर्नमेंट में भी हैं सर, देख लिए हमने, देख लिए। अच्छा एचएसएन वाले भी बहुत हैं, एचएसएन वाले भी बहुत, तो ये एचएसएन और लम्स पे पाबंदी लगा दीजिए। कॉमेडी इज गुड, कॉमेडी इज गुड। साकिब वी मेट, ये कराची यूनिवर्सिटी से हैं? हां जी, अब ठीक आया हो तो जरा ही तरक्कीयात यूनिवर्सिटी, जरा ही तरक्कीयात। एंड मथिरा लाइक आई सेड, हमेशा से मानी हूं मथिरा, आई थिंक वीडियो पे की हमने कहा कितना हैंडसम लड़का है, पता चला शादीशुदा, हमने कहा इतना हैंडसम नहीं है, फिर उसके बाद यू नो देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर शफात आल्सो। ओह यस, ओह या, थैंक यू, थैंक यू सो मच, आपने इतना झूठ बोला, बहुत शुक्रिया जी। आजकल क्या कर रही है? आजकल मैं सोती बहुत हूँ, अभी तो उठी नहीं है ना। आजकल मैं दो कुत्ते पाल रही हूँ एक्स्ट्रा, दो तो ऑलरेडी थे। सो आई मीन आपकी आवाज अच्छी है, आपकी आपके पास बात करने का अंदाज है, यो आप प्रेजेंटेबल हैं, आपके पास म्यूजिक का नॉलेज है, तो खबरें पढ़ा करें आप, तो फिर आपने अपना म्यूजिक क्यों नहीं किया? हाँ ये सवाल है, अपना म्यूजिक क्यों नहीं किया? सबने किया अनुशे, सारे सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स आपके दोस्त हैं और बहुत अच्छे आपके उनके साथ। मुझे मेरी आवाज हमेशा समझ में नहीं आती थी, आवाज मेरी मुझे है? मुझे याद है कि हमेशा जब मैं अपनी आवाज अभी भी टीवी पे जब देखती हूँ मुझे डर, मैं ये क्या आवाज है, लेकिन अगर रेडियो शो पीपल आर लाइक वी लव योर वॉइस, सोचो मानी ये दिन भी देखना था कि लोगों को मेरी आवाज पसंद है। अच्छा आप मुझे बताएं जी, इंडिया में रानी मुखर्जी आपकी वाली आवाज लेके वो इतनी बड़ी हीरोइन बन गई, लेकिन पाकिस्तान में वो एक इनिशियली मुझे याद है इंडस म्यूजिक में मैंने शो शुरू किया था और लोग इतना प्यार भेजते थे, एक बंदे ने कह दिया था लेकिन आपकी आवाज जो है ना, अच्छा वो एक याद रह गया, दो करोड़ भूल गए लेकिन मेरा दिल है, लेकिन मुझे सीखना है क्योंकि आई डोंट वांट टू बी के बना दिया कुछ और लोग मजाक उड़ा रहे हैं आजकल, तो नहीं आप मतलब क्या सीखना, क्या आपने आप मतलब नहीं मतलब सीखना,
हल्का फुल्का ट्यून नहीं, मैं हमेशा अनुषा वो टाइम नहीं है एक सीखने सीखने वाला, तो बस रिकॉर्ड करो एक लाइन एक लाइन एक लाइन एक लाइन दस लाइन गाना बन गया, खत्म गाना बन गया, पानी करा दो। इसकी खुद एल्बम आ रही है इसी तरह। हाँ बिल्कुल, अभी दो लाइनें हुई हैं, एक लाइन एक लाइन एक लाइन, ये भी गाना बन गया। वैसे एक सवाल है, ये जो तुम आप और यू नो बनाकर एक बहुत ही मजेदार वाले टिकटॉक्स करते हैं, वाकई हु एक्चुअली डायरेक्ट्स इट, किसका आइडिया होता है? आवर ट्राइपॉड इज द डायरेक्टर, क्योंकि ये आइडिया बहुत ही अलग होती है, और द लाइटमैन एंड देखो वी बीन डूइंग इट सो लॉन्ग, आई थिंक वी नो एग्जैक्टली दैट कंटेंट शुड बी ऑर्गेनिक एंड प्योर एंड इट विल वर्क आई गेस। आई एम नॉट सेइंग इट शुड बी लो क्वालिटी, आवर्स इज वेरी लो क्वालिटी, बट वी हैव वेरी एक्सपेंसिव फोन्स so it's high quality, but uske alawa it just comes from the heart, so there's no director, there's no producer, there's no thought, in fact there's more like raat mein ek idea hai to dino ko voice message yaar kal banate hain hum ek shafaat aur mani pe karte hain, bas khatam idea hai, wo sham mein aate hai 15 minute lagte hain ban jate hain। main ye keh raha tha ki gana matlab aapne plan kiya hua ki aap music banayenge, kaisi baat ye foran aa gaya na tumhari, bada useless sawal tha lekin main jawab de deti hu phir bhi क्योंकि मुझे एक्चुअली या आई थिंक एवरी आर्टिस्ट इन दिस वर्ल्ड वांट्स टू सिंग, ये मैंने नोटिस कर लिया क्योंकि मैंने इतने आर्टिस्ट की इंटरव्यू की है। आज एक आप एक्टर नहीं होते तो आप क्या करते हैं, आप डांसर नहीं होते आप क्या करते हैं, आप होस्ट नहीं होते आप क्या करते हैं, आप मॉडल नहीं करते आप क्या करते हैं, दिला काश सिंगिंग कर सकते, सिंगिंग बात है। आप अक्सर ना शोज में अपना जो जब आरजे कर रही होती हैं तो आप कुछ गाना शुरू कर देती हैं एंड यू नो स्टार्ट गोइंग अलोंग, लगता है हां यार इसकी आवाज अच्छी है, तो अब बस तय हो गया खवातीन हजरात के अनुषा अशरफ म्यूजिक लॉन्च कर रही हैं। तो खवातीन हजरात चलते हैं अनुषा आपकी तरफ, एक बहुत ही वैसे यूजुअली हमारे पास जब गेस्ट आते हैं उन गेस्ट के साथ हल्के से सवालात करते हैं, पहेलियां पूछते हैं, रिडल्स करते हैं, आज कुछ डिफरेंट हो रहा है और बहुत डिफरेंट हो रहा है। आज मानी साड़ी पहनेगा, अच्छे पैसे मिलेंगे तो पहन लेंगे साड़ी, वो सूट पे खड़ोगे नहीं करते थे, सब करेंगे, बगैर पैसों के भी पहनिए, कितनी दफा जमजमा पे मिले हैं यार आप यार उस वक्त क्या मैं आप थे वो आप थे जिन्होंने गाड़ी रोकी। अच्छा भाई तो भाई आज हम कर रहे हैं भाई एक छोटी सी एक्टिविटी आपके साथ, तो अनुषा आप प्लीज हमारे मंच पे आ जाइए भरपूर तालियों में। ओके भाई तो हमारे कंटेस्टेंट आ गए हैं जनाब यहाँ पे शहजाद साहब। शहजाद साहब आपको पता है आपने क्या करना है, आप एक डॉक्टर हैं, सामने आपके अब्बा है ऑपरेशन थिएटर में और ऊपर ऑपरेशन की थिएटर की लाइट ऑन है, या आपके बाईं जानिब मौजूद है नर्स तमन्ना, आपकी दो लाइनें हैं जनाब, मुझे क्या पता अम्मी ने भी यही कहा था, और ये आपके दाईं जानिब खड़े हैं नर्स बशीर, इनका है मैं नहाने जा रहा हूँ और चल बे, ठीक है भाई तो कार्रवाई शुरू करते हैं जी, 3 2 1 स्टार्ट। तमन्ना आपने कौन सी रग काटी थी? मुझे नहीं पता। आप आपने देखा नहीं था काटने से पहले? नहीं नहीं मुझे नहीं पता, सॉरी यार। स्कैल्पल लाके दो, स्कैल्पल। चल बे, तुम्हें क्या तनख्वाह नहीं मिली जो तुम इस तरह की बातें कर रहे हो? मैं नहाने जा रहा हूँ भाई। एक तो जल्दी जल्दी तो तुम गीले हो जाते हो ना, तुम्हें नहाना पड़ता है। ऐसे मेरी अम्मी भी ऐसी कहती थी। आपकी अम्मी भी बार बार नहाने चली जाती थी? नहीं नहीं वो जब मेरे भाई जाते थे तो वही कहती थी। आपका घर तो डिफेंस में, पानी का बिल कितना ज्यादा आता होगा? आप मुझे नहीं पता, हमने कभी देखा नहीं। अंकल मरने वाले हैं, ये आपके वालिद साहब हैं। आपके वालिद भाई? आपके हम दोनों बहन भाई हैं। मुझे नहीं पता था ये। ओह माय गॉड, मुझे तो पता आपको नहीं था। ये नहीं बताया? अम्मी ने सब कुछ बताया था, ये नहीं पता। अम्मी ने अम्मी ये मैं नहाने जा रहा हूँ। तुम तो नहा के माफी मांग करवा सकता हो। आपकी जितनी लाइनें आप उससे आगे निकल रही हैं। पीछे आए आप। मेरे ख्याल से बाकी घर वालों को बता दो ही इज नो मोर। नो मोर? मैं नहाने जा रहा हूँ। अब जा ही रहे हो तो गुस्सा भी करवा दो। अब ऐसा है कि अनुषा आपको हम इतनी जल्दी माफ नहीं कर रहे, आपके लिए हमारे पास कुछ और कष्ट भी हैं जो आपने उठाने। ये सामने बैठे हुए हमारी टीम्स, आपका नाम क्या था यार, सॉरी भूल गया। हम भी भूल गए एक्चुअली। एक वो छालिया का ब्रांड है, एक
एक अर्तुगरुल, टोनी सदफ, टोनी सदफ, मटका कुल्फी। तीन टीम हमारे सामने मौजूद है, बारी बारी इन तीन टीम से कोई एक सवाल पूछ सकती है। ये तीन रिडल्स हैं। अंग्रेजी में लिखा आप लोगों को समझ में आ गया? नहीं भाई, हमको इधर वाले लोगों को तो बिल्कुल ऊपर से जा रही है। ये लम्स वाले मैं लम्स में मूंगफलियां बेचता था। सॉरी, लम्स में वो तो मथीरा की समझ में आ जाएगा, बाकी सारे कहाँ हैं? लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज नहीं है ये। आपने कहाँ से पढ़ा है? आपने जाबिर, ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है। अच्छा, हम पहले अर्तुगरुल की टीम से पूछते हैं। ये चीज है जो आपकी है, आपको बिलोंग करती है, लेकिन आपके फ्रेंड्स इसको ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। यूएसबी लाइट है भाई, नाम है, यूएसबी है, लाइटर है, नाम मुझे अच्छा, चार्जर है, सब कुछ, सब कुछ लेगा आपसे। हाँ नहीं तो आप लेते दूसरे के लिए यूएसबी आईडिया। ओ माय गॉड, आईडिया भी ले गए। आईडिया भी ले गए। इंडस्ट्री के मसाइल। नाम इज द करेक्ट आंसर। सही जवाब। पार्लियामेंट में बैठे हैं। दिस इज द क्लोजेस्ट वी गेटिंग टू प्रोसेस। प्रोसेस क्लोजेस्ट जी। हाँ जी, सोनी सदफ, आप लोगों की टीम के लिए सवाल है कि इस चीज के पास हाथ है, चेहरा एक, लेकिन ये कुछ उठा नहीं सकता और स्माइल भी नहीं कर सकता। सो इट हैज अ हैंड, इसको गम है शायद इस बात का कि इसके सिर्फ एक हाथ, इट कांट होल्ड एनीथिंग एंड इट कांट स्माइल। नहीं, हाथ दो हैं इसके। हाथ दो हैं, हाथ दो हैं, हाथ हैं, चेहरा है, लेकिन ये कोई चीज उठा नहीं सकता और स्माइल तक नहीं कर सकता। हाथ दो हैं लेकिन उठा नहीं सकता, तो ये पाकिस्तानी सियासतदान तो नहीं है। सियासतदान तो अपने सर पे भी उठा रहा है, यहाँ पे कमर पे भी उठा रहा है, लेकिन बाहर आ रहा है। साकिब भाई, आपके मोबाइल में था ना ये बंदा? ये साकिब भाई आपको व्हाट्सएप पे भेजेंगे। यार देखो यार, कोई हिंट दो अनुषेक, दोस्ती है। हिंट देते हैं कि ये सबके घर में होता है या होती है? होती है, होती है, होती है, हाँ, होती है, यूं है, यूं है, जैसे मर्जी। मैं तो क्या, हमारे, अरे मेरे को पता है, केट विंसलेट, तेरे को पता है, लेकिन अभी नहीं चाहिए। ये आधी आधी मरी भी मकड़ी नहीं, इसको चप्पल पड़ी है, दो ही हाथ बचे इसके। नहीं 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 जी, जरा आपका तड़पती हुई छिपकली भी हो सकती है बेसिकली। हाँ, दो हैं, चेहरा है, लेकिन बताती बहुत है। हमने दो नहीं कहा, आपको बताती बहुत है। चीज है, जानदार नहीं है उन्हीं का, चीज है, कोई चीज है, और ये उन्होंने हिंट दिया है, सुन लो। हमें भी पता चल चुका है, हाथों से बताती बहुत है। मानी भाई, आपका वक्त निकलता जा रहा है। ओ, चिमटा, 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 बिल्कुल गलत जवाब, चिमटा। वो बता रहा है मुंह से, मैं कह रहा हूँ आपका वक्त निकलता जा रहा है। रिस्ट वॉच, रिस्ट वॉच, घड़ी, 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 घड़ी। टू लेट द हीरो, इसने इतनी अच्छी हिंट दी, तुम पर्सनल हो गए। मानी ने बोला पॉइंट जाए, जुमला ना जाए। एक्चुअली सेलिब्रिटीज होते हैं ना, उनके ईगोज होते हैं, बच्चों को पता ही नहीं है। हमारी तीसरी टीम जिनका नाम है मटका कुल्फी। मटका कुल्फी कहाँ से आया? पता नहीं है, इसके दिमाग में ही चल रहा है। आप में से मटका कौन है? मैं तो कुल्फी हूँ। कुल्फी तो आप है मथीरा। अब तक सिर्फ डंडी बची है, कुल्फी पिघल गई है। ठीक है जी, आप एक रेस भाग रहे हैं और बिल्कुल एंड पर आके जो पर्सन सेकंड प्लेस पे है, आप उसको पास कर जाते हैं, तो फिर आप किस पोजीशन पे रेस जो है विन कर रहे हैं? आप एक रेस भाग रहे हो, आप दूसरे सेकंड स्पॉट पर जो है उसको पास कर जाते हो। अंग्रेजी में कहती हूँ, यू आर रनिंग अ रेस एंड एट द वेरी एंड यू पास द पर्सन हु इज इन सेकंड प्लेस। So what place did you finish in on the race? Second को pass किया, second में होंगे, क्योंकि first को pass नहीं किया। क्या बात है यार, क्या बात है। यार ये जवाब। I object। यार सारे सवाल आज हमारे मुश्किल थे। मुश्किल थे। 18वीं दरमीन, 17वीं दरमीन। भाई आज असल में आज शो बहुत हार्ड है, इट्स रियली टफ। सलसल ये कमेंट्स आ रहे हैं और मुसलसल लोग ये कह रहे हैं कि यार आप लोग मानी मुस्तफा को फेवर दे रहे हैं। हमें पॉइंट देते हैं, मेन पॉइंट आपका उस टीम पर। हाँ, अरे वो तो आपको पता ही है। बात ये, तूने हरकतें छोड़ी नहीं इतने अरसे बाद भी। मैं अल्लाह का शुक्र। इश्फाक साहब कहते हैं कि मर्द की जिंदगी में दूसरी औरत की और औरत की अलमारी में नए सूट की हमेशा गुंजाइश रहती है। अब आपका फेमिनिज्म नहीं जाएगा। सॉरी, आई हैवंट बॉट न्यू क्लोज इन यर्स। मुश्ताक यूसुफी साहब कहते हैं वो उनको जरूरत भी नहीं है, उन्होंने किसी सिंधी की कोटी चुरा ली है। ये मुझे पर इट्स लुकिंग रियली नाइस। मुश्ताक यूसुफी साहब, आई ट्रस्ट मथीरा सेंस ऑफ फैशन में खुद दे। देखो भाई, वो पुरानी टी-शर्ट है। आप हमारा ट्रस्ट भी ना करें, मुझे फैशन का कुछ भी नहीं पता। हमारे घर में इसमें रोटियां दी जाती हैं। ठीक है, फैशन तो कुछ भी हो सकता है। यार ये जो कोई एथनिक जोक तो नहीं बनता जा रहा बेसिकली। मैं कर सकता हूँ, मैं सिंधी हूँ। अच्छा, I can say it। अच्छा, मुश्ताक यूसुफी साहब कहते हैं कि शरीफ मर्द वो है जो खवातीन की महफिल में
नजर नीची रखे, सिर्फ नीयत बुरी रखे। सही है। Exactly, that's the closest to sharafat you can get. To not do anything about what's going on. Yusufi साहब ने ये नहीं बताया नजर कितनी नीचे रख दी है। Well, Anushe, thank you so much. Thank you for having me. आप तशरीफ लाएं। Thank you. और मैं क्या कहूँ आपको? अपनी जान नजर करूँ, अपनी वफा पेश करूँ? ऐ मर्दे मुजाहिद। कुछ ना करे। क्या करूँ? But thank you so much, Anushe. Thank you. एक दफा भरपूर तालियां। Thank you. Anushe Ashraf, ladies and gentlemen. Thank you. यहाँ पे हो गया हमारा आज का शो समाप्त। एनीवे, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने मेजबान शफाजी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले शो में। अल्लाह हाफिज़। जब एंटरटेनमेंट का मोर से भी ज्यादा फायदा होता है तो इतना ही मजा आता है। सो कीप वॉचिंग आई डोंट नो एंड सब्सक्राइब टू नाशपाती प्राइम।